मरी गुड़की डेली, कैसी हो आप? आप ठीक हो ना? हटो, मैं तो ठीक हूँ, तो कैसी है? और मैं थाने से बहुत नाराज हूँ। मैं भी नाराज हूँ। यहाँ इतना कुछ हो गया और तूने मारे को बताया भी ना? मारे से गुस्सा हो? कोई बात नहीं, आप मारे से कितने भी नाराज हो, मैं आपको एक झटके में बना लूंगी। मरी गुड़की डेली, बताइए कितने उठक बैठक करो? ना 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 लाडो, इसकी कोई जरूरत नहीं। एक तरफ तू है और दूसरी तरफ वो दृष्टि, उसने मारे को कहीं मुंह दिखाने के लायक ना छोड़ा। वो तो लाडो खाटू श्याम जी की कृपा है कि थारे ससुराल वालों को अच्छे से पता है कि दृष्टि ने जो कुछ भी किया उसमें उसमें हमारा कोई हाथ ना है, वो नाराज ना है। रे गेड़ चप्पी गीता, जब देखो मुंह खोलेगी ना तब रोना शुरू कर देगी। अरे थारी बड़ी बेटी इतने बड़े घर में ब्याह के आई है, थोड़ा तो खुश हो ले। सोच, दोनों बहनें मिलके पूरे घर पे राज करेंगी, राज। ठीक ही तो कह रहे हैं बाबा साहब, इनकी बड़ी बेटी राज ही तो कर रही है। और पता है, आते ही उन्होंने मासा से तिजोरी की चाबी छीन ली। और पता है, पापा साहब है ना पापा साहब, उन्होंने आज ही मासा को फैक्ट्री से लाए पूरे 10 लाख। पूरे 10 लाख रुपए दिए, वो भी नगद तिजोरी में रखने के लिए। लेकिन पता है फिर क्या हुआ? पापा साहब को दृष्टि जी ने रोक लिया। उन्होंने कहा कि ये पैसे तो हमारे पास ही रहेंगे, क्योंकि घर के तिजोरी की चाबी भी तो हमारे पास ही, तो उस हिसाब से घर की मालकिन तो मैं ही हूँ। फिर क्या मारी गुड़ की डेली, ले लिए उन्होंने सारे पैसे और तिजोरी में रख दिए और तिजोरी की चाबी ली और अपने कमर में लटका ली। सोचो अगर किसी ने वो तिजोरी की चाबी चुरा ली और तिजोरी में से सारे पैसे ले लिए तो किसी को कहाँ पता चलेगा, क्योंकि इतना नगद है कि 5-10 लाख रुपए इधर उधर भी हो गए, थोड़ी ना किसी को पता चलने वाला है ना। चलो तुम दोनों प्यारी माँ बेटी की जोड़ी आपस में गप्पे लड़ाओ, मैं जरा दृष्टि का हाल लेके आता हूँ। हाँ, वो उधर नीचे वाले कमरे में है ना? हाँ, आगे से नीचे। हाँ, मैं ढूंढ लूँ। ठीक से बातें करो। हाँ, आराम से। अरे सब क्या कह रही है तू? मारी गुड़ की डेली, वो तिजोरी की चाबी मारे को वापस लेना बहुत जरूरी। हाँ, वो बात ऐसी कहा था ना, 2 दिन के अंदर चाबी का छल्ला मेरे पास होगा। मारी असली उम्र वाली फाइल कुछ भी हो जाए दृष्टि चीची के हाथ ना लग सकती, वरना वरना हमारे ऊपर बहुत बड़ा मुसीबत का बादल फटेगा। उन्हें तो ऐसे ही किसी मौके की तलाश है कि कैसे वो मारे को फंसाए। लेकिन आप जानती हैं कि हमारे साथ साथ थानेदार साहब, अरे पूरे परिवार को कड़ी सजा मिलेगी। लाडू, तारे को सच में लगता है तारा ये बाबा साहब वाला पैतरा काम आएगा? मेरी गुड़ की डेली, बाबा साहब का लालच मैंने बचपन से देखा, और दृष्टि जीजी की चालाकी को काटने के लिए उनका यही लालच हमारी मदद करेगा। पहली बार बाबा साहब के लालच से कुछ अच्छा होगा। श्वेता देख, वर्णिका ने थाली सजा दी है। अच्छा मेरा एक काम कर, तेरी चाची पता नहीं कहाँ रह गई, मैंने उसे कब से भेजा हुआ है तैयार होने को, देख कर जरा। ठीक करती हूँ। हाँ, सबकी थालियाँ कितनी सुंदर लग रही है ना। वर्णिका वर्णिका, फोन है तुम्हारे पास? नहीं नहीं। हमेशा इसी फोन से बेस्ट फ्रेंड सिद्धू को कॉल करती है, इसमें उसका नंबर जरूर होगा। लेकिन इसमें तो सिद्धू का नंबर ही नहीं है। कल सुबह जब सिद्धू घर आया था तो बेस्ट फ्रेंड ने तो उससे बात की थी। हाँ,
हाँ बोल बोल। वानी तुम सुलक्षणा आंटी, वानी मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मैं अभी फोन रखता हूँ। पहले प्रॉमिस करो कि तुम अभी मंदिर आओगी और मेरे साथ तीज वाली पूजा करोगे। प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो। हाँ वानी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम अतारी का तीज की पूजा साथ में करेंगे। किससे बात कर रही है? अब मैं अभी आती हूँ। वानी, किससे बात कर रही हो? अगर आप अपनी मन्नत किसी को भी बताते हो तो वो कभी पूरी ना होती, इसीलिए टॉप सीक्रेट। किसी से नहीं सुनो माँ। दिखाओ, दिखाओ। लगता है ये फोन से खेल रही थी। वानी, ये कोई खेलने की चीज नहीं है। जाओ जाओ, जाकर वहां बैठ जाओ, पूजा के लिए निकलना है। जाओ। वो आएगा, वो आएगा, मेरा डॉक्टर आएगा। भगवान जी, पता नहीं ये डॉक्टर का भूत मेरी वानी के सर से कब उतरेगा। कैसी है गुड़िया रानी? देख 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 देख, मैं थारे लिए क्या लाया हूँ। संतरे का शरबत, तुझे पसंद है ना? क्या बात है, इतने बड़े आलिशान बंगले की मालकिन बन गई तू तो। घर की तिजोरी की चाबी भी रखी है थारे पास, दिखा तो। क्या चाहिए आपको? मारे को बचपन से पता था थारे तू घनी होशियार है, देखना तेरा इस घर की बीनड़ी बनने का सपना भी पूरा हो गया। ये घी और मक्खन आप अपने दाल बाटी चूरमा के लिए ही रखिए, मुझे मत लगाइए। मैंने जो भी कुछ किया है खुद अपने दम पर किया, आपने और माँ ने तो मुझे अकेला ही छोड़ दिया था। अरे माफ करना, थारी बातों से मन को इतना धक्का लगा कि हाथ कांप गए। तू जा, कपड़े बदल ले, ये साड़ी तो महंगी होगी ना। चाचा, इसे कहते हैं किस्मत। अल्ली बाबा सा, मुंह खुलते से ही मालपुए की बारिश सिर्फ सपनों में हो गए, असल जिंदगी में तो मुंह खोलते मच्छर मामा समूह में घुस जाते। बिल्कुल तीर एकदम निशाने पे लगाए, चल अब हो जा शुरू। आवाज कहाँ से है? इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं यहाँ हूँ। बोलने वाला सांप, तो कौन हो तुम? मैं तेरे दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नाकेद तो लुटेरा। सर्पनी सिंघों में सर्पनी सिंह। और तुझे क्या लगा हाँ कि तू शिवजी के भक्तों को ऐसे ठग पाएगा? हाँ मैं क्या कर रहा है बकरी? तूने इस तिजोरी को हाथ भी लगाया ना तो थारे शरीर में ऐसा जहर खोलूंगी, ऐसा जहर खोलूंगी कि थारे लिए सीधा यमराज जी के पास खोलेंगे। पिस्स।
कर दो, मुझे माफ कर दो सरपटी सिंह जी, मुझे माफ कर दो। मैं ये गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। मैं बस भाग रहा हूँ यहाँ से, मैं भाग रहा हूँ।